तो दोस्तों आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरे एक दोस्त का कमेंट मैंने रीड किया। उन्होंने कहा था कि एंजाइटी में हुए हुए वाले ब्रेन फॉग को हम कैसे ठीक करें। ठीक है, तो बहुत सिंपल आसान इसका मैं पहले प्रॉब्लम्स बता देता हूँ कि आपको ब्रेन फॉग कैसे फील करा सकती है, क्या क्या आपके साथ करा सकती है, एंड उसके बाद इससे बाहर कैसे आ सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो सबसे पहले दोस्तों जो ब्रेन फॉग होती है, ठीक है, काफ़ी लोग होते हैं जो लोग इस चीज़ को पहले कभी भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। ठीक है, तो उससे होता क्या था कि पहले काफ़ी लोग मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, जो लोग भी मुझे कॉल करते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि सर मतलब मेरी जो मेंटेलिटी थी पहले वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और मैं एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाता था और प्लस मेरी मेमोरीज़ भी बहुत अच्छी रहती थी और मुझे कोई भी अगर प्रॉब्लम्स देते हैं तो मैं इजीली सॉल्व कर लेता था। बट जब आपको ब्रेन फॉग होता है तब आपकी मेमोरी लॉस होती है, आपको हर जगह क्लाउडी टाइप नज़र आता है, मतलब एक कंसंट्रेशन लेवल भी पूरी तरीके से जो है वो ज़ीरो हो जाती है, एंड एक कहते हैं ना क्लैरिटी, जो देखने में हमें क्लैरिटी होती है बिकॉज ये आँखों में भी हमारे ब्लरी विजन दे सकती है, स्पेशली इन इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम ब्रेन फॉग। सो यहाँ पर ये आप लोगों को समझना है। इसके साथ साथ आपको कोई भी छोटी सी टास्क भी बहुत बड़ी लगने लगती है इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम ब्रेन फॉग। सो यहाँ पर ये इसमें होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरे साथ मेरी खुद पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ दोस्तों, तो उसमें होता क्या था कि मान लीजिए मैं बहुत अच्छा था, लाइक हर चीज़ में मेमोरीज मेरी याद रहती थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती थी, हर चीज़ कोई भी चीज़ मैं कर लूँ या कोई भी ऐसे माइंड ट्रिक्स वाले गेम खेल लूँ तो मैं बहुत इजीली कर लेता था उसे। बट जब मुझे ये ब्रेन फॉग हुआ, मुझे कोई भी चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब कोई चीज़ अगर मुझे याद रखना है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती थी मुझे, और मतलब उस वजह से मुझे एनवायरनमेंट में भी चेंजेस लगने लग गए थे। लाइक एज ए अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो होता क्या था कि मतलब मैं अगर घर से बाहर निकलता था, लाइक अगर आपने मेरी वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं फ़ुटबॉल खेलता था। ठीक है, ऑलमोस्ट 17 to 18 ईयर्स मैंने फ़ुटबॉल खेले हैं। ठीक है, सो मैंने गैप दिया था फुटबॉल को ऑलमोस्ट 1 ईयर, बिकॉज ये लॉकडाउन की वजह से मुझे गैप देना पड़ा, कोई भी लाइक बाहर नहीं आता था फुटबॉल खेलने के लिए। बट जब लॉकडाउन धीरे धीरे ओपन होने लगा दोस्तों, तब मैंने ट्राई किया कि मैं फुटबॉल एक बार फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने जब फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया दोस्तों, लिटरली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये फैक्ट है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इन फेस किया है, जब मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ मैं एक्चुअल में ब्रेन फॉग को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ हो रहा है ये प्रॉब्लम, बट स्टिल आई थॉट कि मुझे इससे बाहर निकलने के लिए ये सारी चीज़ों को फेस करना होगा। देन मैंने मॉर्निंग में हमारे यहाँ पर ग्राउंड में फुटबॉल प्रैक्टिस करते हैं सारी टीम्स, तो मैं वहाँ पर गया एंड जब मैं ग्राउंड पे पहुँचा तब आई वॉज रियली नॉर्मल, मतलब मैं सब कुछ एकदम नॉर्मल था मेरी लाइफ में, एंड मतलब लाइफ में नहीं, मतलब उस दिन मेरे साथ ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, ऐसा ब्रेन फॉग टाइप एनी सिम्टम्स, कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे थे मुझे। बट जैसे ही मैं फुटबॉल खेलना स्टार्ट करता हूँ एंड अजीब सा मुझे ऐसा फील हुआ कि लाइक मैं जो चीज़ देख रहा हूँ वो रियल है या अनरियल है, मतलब ऐसा थॉट मुझे आने लग गए और नेगेटिव थॉट्स, मतलब सच में मुझे ऐसा लगा कि यार सब कुछ जो है क्लाउडी टाइप दिख रहा है मुझे, कोई भी चीज़ क्लैरिटी से नहीं दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें होती है ब्रेन फॉग में, आपकी इंटेलिजेंस ही पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाती है, आपको इंसोमेनिया हो सकता है ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है रिलेटेड टू ब्रेन फॉग। तो ब्रेन फॉग को ठीक कैसे करते हैं ये पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को एक शेड्यूल बनाना है जहाँ पर आपकी बेड टाइम हो, स्लीपिंग पैटर्न बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपको इस ब्रेन फॉग को ख़त्म करना है। एंड सेकेंड वॉज कि आपको लाइक मेंटली ट्रिक्स खेलने हैं, गेम्स, मतलब जैसे कि फजल्स, कोई हार्ड टाइप वाला, कोई डिफिकल्ट टाइप वाला, ऐसा कोई गेम खेलो जो आपके माइंड को ट्रिक करे, मतलब जहाँ पर आप माइंड लगा सकते हो बहुत पावरफुली। तो यहाँ पर आप लोगों को ये काम करना है। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, आपकी डाइटिंग आपको स्टेप बाय स्टेप रखनी है, मतलब हर 10 मिनट्स में आपको कुछ ना कुछ नॉर्मली खा लेना है एंड उसके ऊपर वर्क करना है। अगर बेटर होगा कि आप 3 टाइम्स का
लाइक 3 times का आप लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये चीज आप लिख के रखिए और उसी टाइम के अकॉर्डिंगली आप उसे फॉलो कीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद एक लास्ट जो बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को ऑप्शन, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। जब आप मॉर्निंग में बैठते हो, ठीक है, योगा के मतलब जब आप उठते हो तो योगा के लिए बैठो स्पेशली फॉर 20 minutes, ठीक है। अगर आप 20 minutes सिर्फ मॉर्निंग में बैठते हो लाइक अलॉन्ग 6 to 7 AM, अगर ये टाइम लिमिट पे अगर आप बैठते हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी, बिकॉज जब आप मॉर्निंग में एक फ्रेश एयर अपने ब्रीथिंग जब करोगे तो इससे होगा क्या कि जो केमिकल्स है, जो भी जितने भी एंटीऑक्सीडेंट है, वो सारी चीज़ें बाहर निकलेगी, ठीक है, और फ्रेश एयर आप खुद के अंदर लोगे। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो लंग्स है, जो अंदर के बॉडी ऑर्गेन्स है, वो आपको सपोर्ट करेंगे इसे फाइट करने में। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों, और अगर ब्रेन फॉग को अगर आप लोगों को खत्म करना है तो ये 4 steps आप लोगों को फॉलो करना ही होगा, ठीक है। अगर आप ये करते हो तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि 2 to 3 months में ही आपको ये जो है इनफैक्ट नजर आ जाएगा, ठीक है, इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी तरीके से होगा। बट ट्रिक करना है आप लोगों को, आपके माइंड के साथ ट्रिक करना है, ठीक है। फ्रेश एयर, डीप ब्रीथिंग आप कर सकते हो योगा में मॉर्निंग में, ठीक है। तो और एक चीज, योगा में आप डीप ब्रीथिंग के साथ साथ मतलब आप कंसंट्रेशन लेवल भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कंसंट्रेशन कैसे करते हैं काफी लोग क्वेश्चन पूछेंगे, उससे पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूं। उसमें करना क्या है दोस्तों, आप लोगों को शांत बैठना है और कोई भी थॉट्स को आपके माइंड के अंदर आने नहीं देना है। आप जब बाहर लाइक योगा के लिए बैठोगे तो कहीं से कुछ भी आवाज आएगा, आपका मंकी माइंड आपको बोलेगा कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर कंसंट्रेट कर, कुछ आवाज आ रही है, अजीब सी चीजें हो रही है। बट आपके मंकी माइंड को रुका कर आपको आपके कंसंट्रेशन लेवल पे काम करना होगा, तब जाकर आपकी जो ये ब्रेन फॉग है पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी दोस्तों, एंड आई गारंटी इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। ये सारी चीज़ें मैंने की है दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच।